हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूजी सेमेस्टर 5 बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में सेशन 21-24 में आप सभी बच्चे पहुंच चुके हैं। और आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि सेमेस्टर 5 का आपका कॉलेज में इंटरनल चल रहा होगा, आपका साथ एडमिशन चल रहा होगा, और आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 5 में एक पेपर, एक्स्ट्रा पेपर आपको देना पड़ेगा, जेनिक पेपर का देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका सेमेस्टर 5 का पेपर प्लस आपका जेनिक पेपर का जो पेपर रहेगा वो आप लोग किस प्रकार क्लियर करिएगा, कब तक पॉसिबल है, उस वक्त आपका जो एग्जाम आ सके, ये मैं वीडियो बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जहां भी जुड़े व्हाट्सएप फेसबुक शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप फेसबुक पेज का लिंक है, जहां जुड़ जाइएगा ताकि कोई अगर अपडेट आएगा तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आप सही बच्चे सेमेस्टर 5 बस आपके पास लगभग देखा जाए तो 6 महीने का समय बचा है, उसके बाद आप लोग खुद ब खुद हमारी कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि बेरोजगार की लिस्ट में आ जाएंगे। तो आप सही बच्चों को एडवांस में बेरोजगार होने की बधाई दे देता हूँ। ठीक है, तो किसी बच्चे बुरा लगे तो दिल से बस ये मजाक के लिए। ठीक है, तो सेमेस्टर 5 21-24 सेशन आप सही बच्चे। ठीक है, सेमेस्टर 5 का आपका टोटल 6 पेपर, 2 ऑनर्स पेपर, 2 डीएससी पेपर। ठीक है, इसी तरह आपका सेमेस्टर 6 में 2 पेपर होगा, 2 ऑनर्स पेपर हो जाएगा, 2 डीएससी पेपर। लिख देता हूँ, सब बच्चे चिल्लाते रहेंगे। देखिए, 2 ऑनर्स हो गए, 2 डीएससी पेपर हो गया आपका। तो दोनों ही पेपर आप लोग डीएससी पेपर का चुनाव तो देखिए सही से करिएगा, का डीएससी पेपर का चुनाव है ना बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आप कुछ और लीजिएगा, आपका दोस्त कुछ और ले लेगा, पता चले क्वेश्चन है तो ना वो आपको समझा पाए ना आप समझा पाएंगे, तो इसलिए डीएससी पेपर चुनाव सही से करिएगा। तो 2 ऑनर्स पेपर, 2 डीएससी पेपर। ये पेपर या पेपर जो ये जो पेपर का आपका एग्जामिनेशन होता है हर वर्ष, आपको मालूम होगा कि आपका जो सेमेस्टर 6 जुलाई में होता है, लगभग सेमेस्टर 5 कब होता है तो मार्च और आपका अप्रैल में होता है। इस बार यूनिवर्सिटी वालों ने आपका रिजल्ट पेपर जारी किया, आपका एडमिशन भी चल रहा है, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो एग्जामिशन है वो फरवरी तक में आपको खींच ले, फरवरी से पहले खींचना चाहिए मेरे हिसाब से, जनवरी लास्ट या तो फरवरी भी खींचे। फरवरी की सरस्वती पूजा हर साल, आजकल हमारे यूनिवर्सिटी सरस्वती पूजा में पेपर लेना स्टार्ट किया है, तो जनवरी में मे भी जनवरी लास्ट में आपसे बच्चों पेपर हो सकता है सेमेस्टर 5 का। प्लस आपसे बच्चों को मालूम होगा कि जो जेनिक पेपर चल रहा है, जेनिक पेपर आपको भी देना पड़ेगा। बोले क्यों? पहले जान लीजिए, कॉमर्स के बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कॉमर्स के बच्चों को इससे दूर रहना है, उसका कोई दिक्कत ही नहीं होना है। अब जेनिक पेपर है क्या पता है? हमारा जो यूनिवर्सिटी गाइडेंस कहता है, पहले अगर सीबीएसई मैटर जो कहता है वो कहता है कि आपको क्या चाहिए, अगर आप लोग लैब असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी जो रहती है, जैसे केंद्रीय विद्यालय बहुत सारे टीचर, उसमें 2 जेनिक पेपर यानी 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, ऑनर्स पेपर के अलावा। लेकिन हमारा यूनिवर्सिटी क्या करता है, सेमेस्टर 1 से लेकर 4 तक सारा का सारा एक पेपर दिलवा देता है, तो आपको वो तो क्लियर करना पड़ेगा ना। अगर आप जो बच्चा बीएड करना चाहता है तो वो भी दीजिएगा, ये मैं बता देता हूँ। जिस बच्चे को लगता है कि भाई मुझे नहीं करना, मत दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका डिग्री इनवैलिड नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यूनिवर्सिटी बोला है कि आपका एक ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, एक ही में, मतलब आपका सेमेस्टर 6 खत्म होगा तब तक आपका एग्जामिशन भी कम्प्लीट करेगा जेनरिक का, और आपको एक ही बार रिजल्ट आपको कम्प्लीट दे, तो आपके लिए बढ़िया ही है। आप लोग पढ़ते पढ़ते लाइन में रहिएगा तो आपको देने में दिक्कत भी नहीं हो जाएगा, आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है जेनरिक देना चाहिए तो दीजिएगा, नहीं देना चाहिए मत दीजिएगा, कोई कोई व्यवस्था थोड़ी है। हाँ, लेकिन मैं जरूरी करेगा। बोले क्यों? करंट सेशन है, एक एक बच्चा 650 रुपया, 650 सोच ली कितना बच्चा है पैसा मिले बच्चों को, 4 सेमेस्टर का लगभग टोटल पेपर है, कितना पैसा आएगा यूनिवर्सिटी के पास। तो ये सब यूनिवर्सिटी गलती, लेकिन बुझेगा सब कोई, ये बात हो जाता है। तो जेनिक पेपर देना जरूरी नहीं है। हाँ, ये कब होगा? तो इसी साल में आपसे पूछ लीजिए, 24 में खत्म होगा, 24 में खत्म होने के लगभग जुलाई अगस्त तक आपका पेपर कंप्लीट करवाया जाएगा, क्योंकि आपको डिग्री भी देना है यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी डिग्री देगा तो साथ में देना पड़ेगा, धीरे धीरे पेपर खत्म करवाना पड़ेगा। तो ये था कुछ अपडेट जो मैंने आपको बता दिया। बाकी कोई दिक्कत हो, पहले बात कॉमर्स के बच्चों को नहीं देना है, आर्ट्स और साइंस के बच्चों को देना रहेगा, वो भी आर्ट्स के बच्चों को बहुत सब्जेक्ट को नहीं देना पड़ा था। ठीक है, तो जरूरी नहीं देना, डिग्री इनवाइट नहीं होगा, निश्चित रहिए, देने की इच्छा कर दीजिएगा, नहीं देने इच्छा मत दीजिए, वो आपकी इच्छा। ठीक है, कुछ अगर दिक्कत हो तो फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।